हेलो एवरीवन, टुडे न्यू नोटिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच एक नई ताज़ा अपडेट लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं जो कुछ ही मिनटों पहले साइट पर अपडेट की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जीडीएस की भर्ती आ चुकी है। जिन कैंडिडेट को ग्राम डाक सेवक की नई भर्ती का इंतजार था उनका इंतजार खत्म हो चुका है कि जीडीएस के आपके ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं और उसका नोटिफिकेशन भी साइट पर आ चुका। आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा किस तरह आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन मांगेगी और कितनी वैकेंसी आई हुई और कौन से स्टेट में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके लिए प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चलो हम सबसे पहले देख ही लेते हैं कि किस स्टेट से संबंधित है भर्ती का नोटिफिकेशन आया है और कितनी आपकी पोस्ट इसके अंदर आई हुई है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे ऊपर के सेक्शन में आपको दिखाई दे जाएगा इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020, मतलब 2020 के अंदर आपकी जीडीएस की पहली भर्ती आ चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं, हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ अलग अलग स्टेटों के अंदर वैकेंसी आई थी। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, यहाँ अलग अलग स्टेटों में वैकेंसियाँ पहले आ चुकी है, आपने फॉर्म भी फिल किया होगा। अब जो नई वैकेंसी आई है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से आई है। यहाँ पर 18/2/2020 यहाँ रजिस्ट्रेशन बिगेन, आपके ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन डेट रहा 3/2020, मतलब एक महीने का समय इसके अंदर आपको दिया गया है। आप नीचे की तरफ आओगे तो इसकी क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, पोस्ट का नाम है जीडीएस ग्राम डाक से। उसके बाद 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए और क्लास 10th आपकी मांगी गई इसके अंदर, और आपका लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, मतलब जिस स्टेट का आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज जो होती है उसको आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि लोकल लैंग्वेज में आपको वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा वेस्ट बंगाल जनरल की जो पोस्ट दी गई है, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डिवाइड कर दी गई पोस्ट। टोटल पोस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2021 पोस्ट आई हैं, मतलब पोस्टें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो जल्दी जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर जो बातें थी या जो नोटिफिकेशन के अंदर जो बातें बताएगी उसको मैंने पहले आपको बता दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उस नोटिफिकेशन के अंदर भी वही बताया गया है। आपको अगर डाउनलोड करना तो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है यहाँ देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन और क्लिक एयर पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया, आपको एप्लीकेट नेम, यहाँ पर अपना सारी डिटेल आप मेल कर सकते हैं। अगर फॉर्म को फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी कर देंगे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको भारत के सभी राज्यों से संबंधित अगर कोई भी राज्य में किसी भी भर्ती संबंधित अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी जाती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो के अपडेट आप तक जल्द जल्दी पहुँच के, और वीडियो को शेयर जरूर कर दे क्योंकि जिन कैंडिडेट को जीडीएस की भर्ती का वेट था वो देख ले कि जीडीएस की भर्ती आ चुकी है, अपना फॉर्म फिल कर ले। यह वीडियो कैसी लगी आपको कॉमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह वीडियो आपको यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको खुश रखें।